हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के लाइफ साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो यहाँ पे एक नंबर चैप्टर में तीन पार्ट करके दिया है चैप्टर वाइज। तो तीनों चैप्टर से मैंने आपके लिए यहाँ पे जो MCQ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है इस बार 2020 के फाइनल एग्जाम के लिए, इसको मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले MCQ क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद जो है SAQ क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो। तो एक नंबर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी की जिस शाखा के तहत जानवरों के वाकयात का मुताला करते हैं इसे कहते हैं, एक एनाटोमी, नंबर दो हिस्टोलॉजी, नंबर थ्री जूलॉजी, नंबर फोर साइटोलॉजी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कमेंट करके आप बोलना है कि बायोलॉजी के किस शाख के तहत हम जो है बाकियात का मुताला करते हैं, यानी फॉसिल का मुताला करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन सा आंसर होगा। इसके बाद जो दो नंबर है, तीन नंबर है, इसके आंसर मैं दूंगा आपको। सिर्फ आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं आपको फिर इसको सॉल्व करके दूंगा। इसके बाद नंबर टू को देखते हैं, यहाँ पे दो को, दुनिया में कितने किस्म के अनुआ या स्पेसीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर 90 लाख, नंबर दो 50 लाख, नंबर तीन 87 लाख, नंबर चार 17 लाख। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 87 लाख। ओके, नंबर थ्री होगा इसका आंसर। इसके बाद नंबर थ्री को देखते हैं, लफ्ज बायोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। नंबर एक अरस्तु, नंबर दो लेंस, नंबर थ्री ओपिनियन, नंबर फोर लेमक। तो दोस्तों, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर फोर लेमक ने। ओके, इसके बाद नंबर फोर, साइंसी नाम किस जबान में रखे जाते हैं। एक नंबर लातिनी, नंबर दो यूनानी, नंबर थ्री अंग्रेजी, नंबर चार यानी फोर अरबी। तो ये हो जाएगा लातिनी। ओके, लातिनी इसका आंसर होगा, यानी जो साइंटिफिक नेम रखा जाता है वो लैटिन जबान में रखा जाता है। इसके बाद नंबर फाइव को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर फाइव में है, RH विटेकर ने जानदारों को फाइव किंगडम्स में कब तकसीम किया, यानी पांच किंगडम में जानदारों को जो तकसीम किया था आर एच विटेकर ने कब। 1975, 1973, 1980, 1753। आंसर हो जाएगा एक नंबर 1975। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए, नंबर छः को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग छः नंबर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे छः नंबर में, ऑस्टियारामी अज्जू किस फाइलम में पाए जाते हैं। ऑस्टियानामी जो ऑर्गन है वो किस फाइलम में पाया जाता है, टेनोफोरा, नेमाटोडा, पोरीफेरा, एनेलिडा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर थ्री वाला, पोरीफेरा। ओके, इसके बाद नंबर सात, गर्म खून वाले जानवर का क्लास है एम्फीबा, मेमालिया, पीसेस, कोई नहीं। तो वो हो जाएगा मेमालिया। ओके, नंबर एट, किंगडम एनिमलिया को कितने फाइलम में बांटा गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताइए आप कि आप जो है इनमें से कौन सा चूज़ करते हैं। आप जरूर ये कमेंट करके मुझे आठ नंबर का बताइए। इसके बाद नौ नंबर को देखते हैं, टेनोफोरा किसकी मदद से तैरते हैं। टेनोफोरा जो फाइला है एनिमलिया का, वो किसकी मदद से जो है तैरते हैं, ऑस्टिया, सीटी, सीलिया, चैटिन। तो हो जाएगा नंबर थ्री सीलिया। इसके बाद नंबर टेन, कबूतर का साइंसी नाम क्या है। तो ये दोस्तों, ये बहुत आसान है, क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी है आप मुझे कमेंट करके बोलिए, ठीक है, मैं आंसर देखूंगा आपका, और अगर रॉन्ग हो जाए तो मैं उसको राइट करने की कोशिश करूंगा। नंबर 11, शहद की मक्खियों की अफजाइश की जाती है पीसीकल्चर में, एपीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सेरीकल्चर में। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर में। ओके, नंबर 12, ऑपेरिन कहाँ के रहने वाले थे। ऑपेरिन नामी जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के रहने वाले थे, रूस, बर्तानिया, यूनान, इटली। तो हो जाएगा रूस। ओके, नंबर 13, यूरे और मिलर का नज़रिया कब पास हुआ, 1953, 1937, 1950, 1952। तो आंसर हो जाएगा इसका 1952। ओके, नंबर 14, पैर पौधों में नहीं होते हैं एहसास पजीरी, तौली, चलना, बालिद भी। तो देखिए, पैर पौधों में क्या नहीं होगा, एहसास पजीरी तो होता है, तौलिद भी होता है, इसके बाद जो चलना है और बालिदगी, बालिदगी भी होती है, चलना नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चलना। नंबर 15, हॉट सॉप किन चीज़ों से बनी थी, हयाती मोलिकुल्स, सादा मोलिकुल्स, प्रोटीन, कोसरवेट्स। तो हो जाएगा
सादा मॉलिक्यूल्स। ओके तो दोस्तों ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व, जो फर्स्ट चैप्टर से जो भी थे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने दिए हैं। तो अगर आप कुछ इसमें कोई कमेंट है आपका, कोई रॉन्ग है, कोई आंसर मालूम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को जो ऐसे की क्वेश्चन है वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बी नंबर है, दर्जेल सवालों के जवाब दो, ये यहाँ पे ऐसे क्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 25 लिखा है सिर्फ। एक नंबर देखिए, टैक्सोनॉमी का बाप किसको कहते हैं, ठीक है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप लोग जानते हैं एरिस्टोटल यानी अरिस्टोटल को कहते हैं। नंबर टू, स्टारफिश किस फाइलम से ताल्लुक रखता है, जो स्टारफिश नामी जो फिश है वो किस फाइलम से ताल्लुक रखता है, ये आप मुझे कमेंट करके बोलिए। अगर मालूम नहीं है तो कमेंट करके वो भी बोल दीजिए कि मुझे मालूम नहीं है सर, आप कमेंट में आंसर दीजिए। नंबर थ्री, मोनेरा का एक मिसाल दो, मोनेरा का एक मिसाल हो जाएगा बैक्टीरिया। ओके नंबर फोर, बायोलॉजी की साख के तहत वायरस का मुताला करते हैं, बायोलॉजी के किस साख के तहत हम जो है वायरस का मुताला करते हैं, तो इसका हो जाएगा वायरोलॉजी, इसे वायरोलॉजी कहते हैं। ओके नंबर फाइव, लव बायोलॉजी सबसे पहले कवर किसने इस्तेमाल किया, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में मैंने दिया है यहाँ पे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जो आंसर है वो है लेमार्क, तो आपको लिखना है 1801 ईस्वी में लेमार्क ने किया था। ओके साइटोलॉजी किसे कहते हैं, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, जिस फाइलम या जिस बायोलॉजी के जिस साख कहते थे हम खुलिया के मुताला करते हैं, खुलिया जो सेल है उसका मुताला करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ओके नंबर सेवन, जमीन पर जिंदगी की इब्तदा तकरीबन कब हुई, तो आपको लिखना है 6.4 अरब साल पहले। ओके मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बोलिए। इसके बाद नंबर नाइन, मुख्तलिफ तरह के खुलिया मिलकर क्या बनाते हैं, तो आंसर मालूम ही है शायद आपको कि मुख्तलिफ तरह के खुलिया मिलकर जो है बाफ्त बनाते हैं, टिशू बनाते हैं। ओके नंबर टेन, मेमालिया क्लास की एक मिसाल दो, मेमालिया मतलब दूध पिलाने वाले जानवर, तो इसकी बहुत सारी मिसाल है, इसमें एक इंसान भी दे सकते हैं आप। नंबर 11, शेर का साइंसी नाम क्या है, तो आपको मालूम है पैंथेरा टिग्रिस। नंबर 12, एम्फीबा नामक क्लास के दिल में कितने खाने होते हैं, तीन खाने होते हैं याद रखिएगा। मेंढक का साइंसी नाम बताओ, राना टिग्रिना। ओके नंबर 14, फाइलम निडेरिया के दो हालतों के नाम लिखिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए इसका आंसर, अगर मालूम नहीं तो वो भी बोल सकते हैं। नंबर 15, ओडिया सेटिवा किसका साइंसी नाम है, तो आप लोग जानते हैं ओडिया सेटिवा जो है वो धान का साइंसी नाम है। नंबर 14, एक डाली पौधे की दो मिसाल दो, यानी एक दाल वाले पौधे का दो मिसाल देने बोलता है, तो एक दाल वो घी हो जाएगा और चावल हो जाएगा। ओके नंबर 17, किंगडम प्लांटी को कितने दर्जों में तकसीम किया गया है, किंगडम प्लांटी को जो है कितने दर्जों में तकसीम किया गया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 18, प्रोटिस्टा की एक मिसाल दो, प्रोटिस्टा की एक मिसाल आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बोलिए। नंबर 19, आर एच विटेकर ने जानदारों को कितने किंगडम्स में तकसीम किया है, तो वो हो जाएगा आर एच विटेकर ने जानदारों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्या है। ओके जी, साइंसी नाम के पहले हिस्से को किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं साइंसी नाम को दो हिस्सा है, एक जेनेरिक नेम है, तो पहला नेम जो है वो जेनेरिक नेम ही होगा। ओके इसके बाद नंबर 21, आम का साइंसी नाम क्या है, आम का साइंसी नाम मैग्निफेरा इंडिका है। ओके नंबर 22, इंसान के साइंसी नाम का पहला हिस्सा यानी जेनेरिक नेम क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इंसान का जो साइंसी नाम है वो होमो स्पेंस है, तो उसका जो जेनेरिक नेम होगा वो होगा होमो। ओके HOMO। नंबर 23, लिनियस के जरिए लिखी गई किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरा है। ओके इसके बाद नंबर 24, जदीद बायोलॉजी की वजह से अब दुनिया से कौन सी बीमारी मिट चुकी है, तो जदीद बायोलॉजी की वजह से आज जो है चीचक, पोलियो, ये सब जैसे जो बीमारियां हैं अभी इस दुनिया में नहीं है। नंबर 25 में है, आज बायोलॉजी की वजह से खेतों में कीड़े मकोड़े को मारने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, तो आज बायोलॉजी की वजह से खेतों में जो है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा पेस्टिसाइड। नंबर 26, हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है, हॉर्टिकल्चर क्या है, यह आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। नंबर 27 में पीसी कल्चर किसे कहते हैं, तो पीसी कल्चर वह तरीका है जिसमें जो है जिस तरीके में जो है जो मछलियाँ है उसकी देखभाल और उसकी जो गजा है वो दी जाती है, उसकी अफजाइश नस्ल की जाती है, बालिद की किस तरह होंगे ज़्यादा वो किया जाता है, उसे पीसी कल्चर कहते हैं। नंबर 28, जेनेटिक डाइवर्सिटी से तुम क्या समझते हो या क्या मुराद है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी उसे कहते हैं जब किसी एक इंसान की औलाद जो है मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो ये जिसकी वजह से होता है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर 29, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। नंबर 13, एक पेचीदा हयाती मॉलिक्यूल की मिसाल दो, एक पेचीदा हयाती मॉलिक्यूल की मिसाल जो है फर्स्ट चैप्टर में इसका आंसर आप पा सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बोलिए। नंबर 31,
डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ से तुम क्या समझते हो, यानी जिसको एबायोजेनेसिस भी आप कह सकते हैं। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ से मुराद है कि इस दुनिया में जब ये दुनिया वजूद में आया तो लोग सबसे पहले ये समझते थे कि ना ही इस दुनिया में कोई भगवान है, ना ही कोई खुदा है, ना कोई गॉड है, बल्कि ये दुनिया अपने आप पैदा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ, एबायोजेनेसिस का नजरिया। ओके, नंबर 23, दौरे हयात किसे कहते हैं, यानी लाइफ साइकिल, ये आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई मालूम नहीं आंसर, या आपको जो है कोई परेशानी करता है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि कितना नंबर का कितना नंबर आपको जो है मालूम नहीं है, आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये थे क्लास 9 के लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ और SAQ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट, खास करके 2020 के फाइनल एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पूरी किताब से जो फर्स्ट चैप्टर का पूरी किताब से MCQ क्वेश्चंस को बड़ी मेहनत से बनाया। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो अब तक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।